यदि किसी भी पौधे पर फल और फूल ना आए तो यह समस्या बड़ा ही विकराल रूप ले लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्च कैसे ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू तो ये देखिए दोस्तों, आप जो मिर्च का पौधा देख रहे हैं, ये पौधा मिर्च और फूलों से भरा हुआ है। इस पर हमने कुछ दिन पहले एक फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था और उसका मुझे बहुत ही अच्छा अपडेट भी मिला है। आप चाहते हैं कि हमारे मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्च हम प्राप्त कर सकें, यदि मिर्च की खेती की हुई है आपने तो, और चाहे आपने गमलों में लगाई हो अपने घर के लिए, तो आप अपने पौधे से ज़्यादा मिर्च प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सही जानकारी प्रदान कर सकें। सबसे पहले दोस्तों, हमें एक काम करना होता है मिर्च के पौधे पर। जब पौधे पर फूल आना शुरू हो जाए तो मिर्च के पौधे में हमें पानी डालना कम कर देना है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से पानी बंद करना है, केवल उसमें थोड़ी नमी रहनी चाहिए पौधे में, ताकि पौधा फूल ना गिरा पाए। यदि पौधे में ज़्यादा पानी डालोगे, पौधा हेल्दी रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। पर हमारे पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ने लगेंगे और मिर्चें बिल्कुल बनेंगी नहीं। तो हम इसी समस्या से फिर दुखित होते हैं, तो आपको यही काम करना है। दूसरी चीज़, आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है हल्की सी उसे भुरभुरी बनाए रखना है। अब हमें अगला काम ये करना है मिर्च के पौधे पर कि मिर्च के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र समय पर देना ज़रूरी है। आप जब ऐसा कर लेंगे तो आप अपने पौधे से ढेरों मिर्च प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने भी ऐसा ही किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ हमने अपने मिर्च के पौधे में क्या डाला था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 300 ग्राम पानी लिया हुआ है एक पौधे के लिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उससे आपके पौधे के फूल बिल्कुल झड़कर नहीं गिरेंगे। मैं आपको दो चीज़ दिखाऊंगा। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये समुंदर के तट की घास में से बनता है, जिसे हम सीवीड बोलते हैं। ये बिल्कुल DAP की तरह दिखता है। तो आपको ये लेना है थोड़ा सा, इसे हमें पानी में अच्छे से एक बार घोल लेना है, और घोल कर इसे करीबन हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो घोल सकते हैं, नहीं ये अपने आप घुल जाता है आसानी से। तो इसे हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, क्योंकि उससे हमारे जो मिर्च के पौधे पर मरोड़िया रोग, लीफ कर्ल का वायरस होता है, उससे दूर रहता है। तो 20 मिनट के बाद में हम उसे डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और 20 मिनट बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने लिया है माइसीसाइड पाउडर। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं मिर्च के पौधे पर। इससे जो लीफ कर्ल वायरस होता है, जिसे मरोड़िया रोग के नाम से हम जानते हैं, वह भी दूर रहता है। यदि आप इसे पौधे की जड़ में डालेंगे तो पौधे पर ये बीमारी बिल्कुल बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पर हमने ये एक चम्मच लिया हुआ है और ये पानी में हमने पूरी तरह से डाल दिया। डाल देने के बाद में इसे हम अच्छे से घोल लेंगे, जो कि हमारा फर्टिलाइज़र था उसी में हमने ये डाला है। अब दोस्तों, जो हमने पूरी तरह से घोल लिया है, घोल देने के बाद में अब इसे हम अपने मिर्च के पौधे पर डालेंगे। जड़ों में डालना है हमें, ये ऊपर नहीं डालना है। तो ये दोस्तों, ये हमारा जो मिर्च का पौधा है, हमें एक बार पौधे की गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि मैं इस पौधे की एक दिन पहले गुड़ाई कर चुका हूँ, तो मैं अब नहीं करूँगा। तो आपको इस तरह से ये डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरी तरह से ये डाल दिया है। अब हमारे पौधे के जो फूल हैं, एक भी फूल नहीं झड़कर गिरेगा और हमारे पौधे पर ढेरों मिर्च आएंगी इसी तरह से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना
और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अन्य लोगों को ये जानकारी प्रदान हो पाए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।